प्रतीक्षा करें। हम जल्द ही आपकी कॉल अपने ग्राहक सेवा अधिकारी के पास ट्रांसफर करें। हेलो गाइस, अगर आप जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से कॉल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो जैसे हम यहां पर माय जियो ऐप को ओपन कर चुके हैं, अब हम यहां पर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम अपना एम पिन एंटर करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एम पिन एंटर किया, हम अपने जियो पेमेंट्स बैंक पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हमको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम इसी नंबर को डायल करेंगे। ओके, तो अब हम अपने मोबाइल में डायलर ऐप को ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का कस्टमर केयर नंबर डायल करते हैं। डायल करने के बाद टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी में संपर्क करने के लिए 2 दबाएं। हिंदी के लिए हम यहाँ पर 2 प्रेस करते हैं। जियो पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। अपने बैंक अकाउंट, वॉलेट, डेबिट कार्ड, UPI ID को ब्लॉक करने या अनाधिकृत या धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट कराने के लिए 1 दबाएं। जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट से संबंधित प्रश्नों के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रेस करना है। ओके, UPI से संबंधित प्रश्न, कृपया अपना एमपिन दर्ज करें। यहाँ पर आपको अपना एम पिन एंटर करना है। जब आप जियो पेमेंट बैंक में लॉगिन करने के लिए जाते हैं, तब आप एम पिन एंटर करते हैं, वही वाला एम पिन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। प्रश्नों के लिए 1 दबाएं। अब वो अनब्लॉक करने के लिए 2 दबाएं। अपने डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए 3 दबाएं। अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए या सर्विस रिक्वेस्ट की स्थिति जानने के लिए 4 दबाएं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए 5 दबाएं। ईमेल आईडी को अपडेट या रजिस्टर करने की प्रक्रिया जानने के लिए 6 दबाएं। तो अब हम यहाँ पर 6 प्रेस करेंगे। 0 दबाएं। अपनी ईमेल आईडी को अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करने के लिए कृपया MyJio ऐप खोलें और फिर बैंक टैब विकल्प चुनें, जिसके बाद आपसे एमपिन दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। एक बार एमपिन सफलतापूर्वक मान्य हो जाने पर आप अपने अकाउंट का विवरण देख पाएंगे और अपने अकाउंट में प्रोफाइल विकल्प का चयन करें और फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स को चुनिए और आपको ईमेल आईडी को रजिस्टर करने या अपडेट करने का विकल्प मिलेगा। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो जैसे हम कस्टमर केयर से कॉल करना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ पर 9 प्रेस करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें, हम जल्द ही आपकी कॉल अपने ग्राहक सेवा अधिकारी के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे हमने 9 प्रेस किया, उसके बाद हमारा कॉल जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से कनेक्ट होने लगा। तो इस प्रकार आप जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से कॉल कर सकते हैं।